सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। गढ़वा जिले के केतार से हाई स्कूल में मनमानी तरीका से किया गया शिक्षकों की नियुक्ति। समता उच्च विद्यालय के केतार के 3 शिक्षकों की बहाली स्थानीय प्रबंधन समिति के द्वारा अवैध तरीके से कर दी गई है, जबकि यह 3 पद आरक्षित कोटे का पद है जो आदिवासी कोटे का है। विद्यालय के प्रबंधन समिति के अध्यक्ष व सचिव की मिली भगत के बिना वैकेंसी निकाले मोटी रकम लेकर मनमानी तरीके से अकुशल शिक्षकों की नियुक्ति की गई। वहीं पर प्रबंधन समिति के सदस्यों ने इस नियुक्ति में बिना राय लिए नियुक्त करने की गंभीर आरोप लगाया और सरकार से मांग किया गया कि अनुसूचित जनजाति के सीट को आरक्षण के आधार पर नियुक्त किया जाए। नियुक्त किए गए शिक्षकों को बर्खास्त कर कोटिवार तरीके से रिक्तियां निकाल कर प्रतिनियुक्ति किया जाए। इस नियुक्ति के आहत होकर प्रबंधन समिति के लोग कड़ी निंदा किया है, जो कि सरासर सरकारी नियमों का उल्लंघन करना है। साथ में नियुक्त किए गए शिक्षक स्कूल के सचिव, जिसे लेकर प्रखंड में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। वहीं बसपा प्रदेश महासचिव अजय वर्मा ने सरकार से आग्रह किया है कि शिक्षा विभाग के इस नियुक्ति को संज्ञान में लेते हुए तत्काल अनुसूचित जनजाति के सीट को प्राथमिकता देते हुए नियुक्त किए गए शिक्षकों को बर्खास्त करते हुए प्रबंधन समिति के उपस्थिति में आरक्षित कोटि के लोगों को नियुक्त किया जाए, अन्यथा बाध्य होकर महागठबंधन के तमाम लोग सड़क पर उतर कर विरोध प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे। क्या कहते हैं लोहिया समता उच्च विद्यालय प्रधानाचार्य? लोहिया समता उच्च विद्यालय के प्रधानाचार्य जवाहर दुबे ने इस मामले में बताया कि 4 जनवरी को प्रधानाचार्य का पदभार मुझे प्राप्त है। शिक्षकों की नियुक्ति मुझे पदभार लेने से पहले का मामला है। क्या कहते हैं प्रबंधन समिति के सदस्य परीखा सिंह? प्रबंधन समिति के वर्तमान सदस्य परीखा सिंह ने बताया कि इस नियुक्ति में हम लोगों के बिना सहमति लिए मनमानी तरीके से अपने चहेते के लोगों को नियुक्ति की गई, जिसमें घोर अनियमितता बरती गई, जिसे मैं कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं, जो कि प्रबंधन समिति को हाई कोर्ट का गाइडलाइन भी प्राप्त है, उसे भी नजरअंदाज करते हुए अध्यक्ष व सचिव अकुशल शिक्षकों की नियुक्ति कराने में सफल रहे। क्या कहते हैं जिला शिक्षा पदाधिकारी? जिला शिक्षा पदाधिकारी ने इस मामले में बताया कि यह मामला मेरे संज्ञान में कल ही आया है। अगर इस नियुक्ति में अनियमितता हुई तो इसे तत्काल जाँच करते हुए अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। केतार से सूरज कुमार की रिपोर्ट। उसमें भारी अनियमितता बरता गया है, इसके बारे में आप क्या? हमको अंधकार में एक तरफ रह करके हमसे धोखा दे करके ही, हम तो दस्तखत भी नहीं उस बहाली में किए हुए हैं। हम तो विरोध करके डीओ के यहाँ लेटर जा करके चिट्ठी अपना दिए हुए हैं। तो इसमें आपका क्या कहना रहे? इसमें तो हमारा तो विरोध है कि भाई हमारा हक अधिकार जो है को हनन किया जा रहा है। आप क्या चाहते हैं इस मामले में? न्याय हो, हम न्याय चाहते हैं। है आपके पास उम्मीदवार? हम न्याय चाहते हैं। न्याय चाहते हैं जी। जी आप प्रबंधन समिति के क्या हैं? मेंबर हैं। तो अगले बार जो शिक्षक की नियुक्ति कराई गई थी, जी हाँ, उसमें हमने विरोध किया और लिख करके शिक्षा पदाधिकारी के यहाँ डीओ के यहाँ गढ़वा लेटर भी दिए। इस बारे में हमको ये कहना है कि हम बहुत करीबी समय से ही प्रधानाध्यापक 4 जनवरी 2021 से ही बने हुए हैं। हमको इसमें कोई खास जानकारी नहीं है। इसके विषय में विशेष कमेटी के लोग या सचिव वगैरह भी बता सकते हैं और मैं इसके विषय में विशेष कुछ नहीं बता सकता हूँ। बारे में जानकारी साझा करना चाहता हूँ। जिस विद्यालय से मैं पढ़ा हूँ और वह विद्यालय है केतार प्रखंड में इकलौता विद्यालय हुआ करता था और आज भी वह केतार प्रखंड का धरोहर है शिक्षा का, डॉक्टर लोहिया समता उच्च विद्यालय केतार। इस विद्यालय में 3 शिक्षकों की बहाली होनी थी और वह आरक्षण रोस्टर के अनुसार होना था, जिसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को लेना था, लेकिन विद्यालय के प्रबंध समिति के अध्यक्ष के मनमानी के कारण, चूंकि अध्यक्ष जो हैं वह माननीय विधायक भानु प्रताप शाही हैं और अपने मर्जी से उन्होंने कमेटी का निर्माण कराया है। हम लोगों ने जो जनता स्थानीय लोगों ने मिलकर जो कमेटी बनाया था उसको माननीय विधायक जी खत्म करके अपने चहेते लोगों को उस कमेटी का मेंबर बनाए हैं और उसके सेक्रेटरी भी अपने पिट्ठू को रखे हैं और उसका उस विद्यालय के जो हेडमास्टर हैं वे भी बहुत जातीय मानसिकता के व्यक्ति हैं और इन लोगों ने मिल के और शेड्यूल ट्राइब
आदिवासियों के हक को छीन लिया है और उस विद्यालय में 3 शिक्षकों की बहाली जो करनी थी उसको अवैध तरीके से इन लोगों ने 3 लोगों को किया है, जो सरासर नियमों का उल्लंघन है, सरकारी नियमों का उल्लंघन है। और हम झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, स्थानीय गढ़वा के DO से मांग करते हैं कि आप अविलंब जांच करके इसमें जो लोग दोषी हैं, जो लोगों ने गलत तरीके से शिक्षक की बहाली की है, उन लोगों पर भी कार्रवाई किया जाए और हेडमास्टर को वहां से तो बिल्कुल हटा ही दिया जाए।